नहीं, अब सुबह हम तो नाश्ता खा के निकल गया था, तो जैसे हम निर्जली मेरा ऑफिस में पहुंचा है तो बोला कि आग लग गया, आग घर में आग लगा बोलते ना, तो इंसिडेंट अभी तक पता नहीं चला कैसे करके आग लगा है ना। लॉस कितना है? लॉस तो होने से क्या बोलेगा, 1-2 करोड़ जैसा तो लॉस होगा। अरे इसको रिनोवेशन करना है, फिर इतना फर्नीचर वगैरह ये सब इतना वो सब जल गया। तो सर जैसे कि निर्जली और दोनों एरिया में सर एक भी फायर स्टेशन नहीं है सर, हाँ। अगर फायर अगर लगता है ये एरिया में तो नालगन से फायर ब्रिगेड आता है सर, तो रास्ता भी खराब है सर, तो आने में एक आधा घंटा तो उसमें ही चला जाता है, ट्रैफिक होने से एक घंटा भी लग जाता है, हाँ। तो आपकी तरफ से सरकार को क्या अपील रहेगा सर फायर स्टेशन? तो ये अच्छा पॉइंट बोला है आपने कि हमारा निर्जली या तो निर्जली या तो दोईमुख में, अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड रहता तो ये इतना डैमेज नहीं होना था, क्योंकि फायर ब्रिगेड आदमी कितना वो करेगा, जब आदमी पूरा आग लगने के बाद आदमी तो एक लिमिटेड होता है, और डेमू में अगर फायर ब्रिगेड होता था तो 10-15 मिनट चलो आधा घंटा में भी होगा, अभी तो डेमू से नागलन से आते आते 1 घंटा लग गया ना, उसमें ज़्यादा डैमेज हो गया, ज़्यादा जल गया, कि सामने में फायर ब्रिगेड नहीं था, उसी कारण से डैमेज ज़्यादा हुआ। तो हम गवर्नमेंट से यही बोलना चाहता है कि दोईमुख में कम से कम दोईमुख में और ज़्यादा से ज़्यादा निर्जली में ये दो जगह में अगर फायर ब्रिगेड इसी गाड़ी ये 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 रहेगा सर्विस रहेगा तो सभी पब्लिक के लिए अच्छा होगा। और सुबह हम लोग वहाँ से ये फायर कॉल स्टेशन में कॉल आया था, इसलिए हम लोग इमीडिएटली निकल गया, तो ट्रैफिक जाम होने के वजह से हम लोग भी जल्दी पहुँच नहीं पा रहा है, और रास्ता भी खराब था, फिर भी तुरंतली हम लोग पहुँच के 3 गाड़ी पहुँच के हम लोग यहाँ फायर फाइटिंग किया है, आधा को कंट्रोल कर दिया, जलने वाला तो जल गया, इतना है। सर कितना डैमेजेस कितना हुआ होगा आपके हिसाब से? डैमेज अप्रोक्सीमेटली अभी हमको मालूम नहीं है, माली बाद में रिपोर्ट देगा। सर जैसे कि पानी का यहाँ पे सर लेने के लिए आपको वापस नाहरलगन जाना पड़ता है सर, तो आपका गाड़ी सर IOCL तरफ जा रहा था सर, लेकिन एक गाड़ी हम लोग पर सियाह पिक के फिर पानी लेने के जगह नहीं, IOC से हम लोग रिक्वेस्ट करके एक गाड़ी लेके आए। तो सर IOCL का आगे रिक्वेस्ट किया था आप लोग, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट आगे रुका दिया सर आपको, तो आप IOCL को क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं IOCL लोग थोड़ा उन लोग ऑफिशियल टू ऑफिशियल उन लोग गाड़ी इंटर करने नहीं देता है, उन लोग ये स्टेप वाइज ऑफिस वाइज उन लोग रिकमेंडेशन करके उन लोग इंटर करने देता है, डायरेक्टली घुसने नहीं देता है। लेकिन ऐसे क्राइसिस का मोमेंट में तो अलाउ करना चाहिए ऐसे? वही तो अभी हम लोग फिर वहाँ से रिपेल करके जाएगा, फिर ये पूरा गाड़ी खाली होके आ गया। जैसे सर हम लोग अभी देख रहे हैं कि आप लोग का जैसे इमरजेंसी आप लोग का गाड़ी में लिखा है कि इमरजेंसी और क्राइसिस के लिए है, फिर भी आप लोग का जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स लोग काम नहीं कर रहा था ऐसे ऐसे करके, तो ये सब किसका गलती है? आप लोग की तरफ से गलती है ना, ये क्या डिपार्टमेंट आप लोग को इनफ फंड नहीं मिलता ये सब मेंटेनेंस के लिए? नहीं एकअप तो मेन तो ठीक गाड़ी तो ठीक है, अभी जैसे वहाँ में हो रहा था ना नहीं नहीं उसमें जहाँ गाड़ी का जो पीछे का जो इम्पीलर जो है शिक्षण करते समय में और पिकते समय इम्पीलर गुरुम होने से उसमें ये कोबी को लोक होता है, वो ये मैकेनिकल ये डिपे की बात है, ज़्यादा गुरुम होने से इसे होता है, ये जो अंदर में इम्पीलर जो है खींचने से ये शिक्षण करता है और पिकने से फिर गुरुम होने से इसे ये होता है। सर आप लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, कहीं भी आग लगता है दिखता है नालगन फायर ब्रिगेड या ईटानगर फायर ब्रिगेड सर पहुंच जाता है, लेकिन सर निर्जली सर काफ़ी दूर है मतलब, तो आने में आपको आधा घंटा लग जाता है, सर आपका तरफ से मतलब क्या एक सजेशन रहेगा सरकार को कि निर्जली या दोईमुख में एक फायर स्टेशन देना चाहिए? वही तो ये गवर्नमेंट का ये है जगह में ये हम लोग वहाँ से भी टेकअप करने नहीं, उसको भी गया साल में उन लोग पब्लिक ये जिला लोगों रिक्वेस्ट किया था हम लोग पिकअप करने नहीं सकता है, यहाँ में नेरेस नहीं तो दोईमुख नहीं तो बंदरद्वा एक स्टेशन देने से ठीक है बोलकर हम लोग इसे भी ये रिक्वेस्ट किया था। हमारा OC दोईमुख से PS दोईमुख से हम 10/21 को करीबन 10/21 को हम लोग उससे रिसीव हुआ है कि यहाँ पे फायर कॉल हो रहा है, तो हम लोग फर्स्ट टर्न आउट जो है हम लोग 10/21 से हम लोग कवर मिला है, 10/22 को वहाँ से फर्स्ट टर्न आउट निकल गया, और फर्स्ट टर्न आउट ऑन द वे में होते समय में यहाँ से बार बार कॉल आ रहा है कि ये हो रहा है और आग भर रहा है, तो हम इमिडिएटली सेकेंड टर्न आउट भी मेरा OC सर ने सेकेंड टर्न आउट को लीड करके निकल गया, फर्स्ट टर्न आउट जो है हमारे साफ फायर ऑफिसर वो फर्स्ट टर्न आउट हो गए इंचार्ज थे वो तोमर बम वो लेके गया, एंड देन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्न आउट निकलने के बाद एंड हम तो थर्ड टर्न आउट में हम निकल गया, और हमने यहाँ पे देखा है तो
सचमुच दिस इज कॉल्ड रूरल फायर, इसको हम रूरल फायर के रूप में जाना जाता है। एंड वाटर इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशन मीडिया टू एक्सटिंग्विश सच टाइप ऑफ फायर। तो हमने कोशिश किया, हमारे तरफ से कोशिश किया और हमने अभी जीत लिया। फायर सर्विस हमेशा यही तैयार करते हैं कि जीत के लिए हम तैयार करते हैं और हर समय हम जीतते हैं, इसलिए हमने जीता और बुझा दिया। सर, कॉज ऑफ फायर क्या था? कॉज ऑफ फायर ऐसा सुनने में रिलायबल सोर्सेज से हमने सुना है कि वो हम लोग का जो एक लोकल का ओवन बनता है किचन में, उस ओवन से वो लोग रोस्ट कर रहा था जो हमारा फिग मतलब एक फोर्क को, उससे वो जो टेल होता है उससे सिंक होके फायर जो है इग्नाइट हुआ है, दैट इज़ द कॉजेस। क्योंकि हमारा जो है अरुणाचल में जो लोकल है वो ज़्यादातर रोस्ट करके ही ज़्यादा टेस्ट लेते हैं, तो उस रोस्ट में उसका ज़्यादा इग्नाइट हो गया और उससे आग बढ़ गया। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।